जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। जब जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो जाए, बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिल रहा हो जाता है जीवन में। कोई कोई घड़ी ऐसी आके खड़ी हो जाती है जहाँ पर हमको सोचने के लिए भी समय नहीं है। तब शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, शुक्रवार के दिन अगर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाया जाए तो नारी का अखंड सौभाग्य होता है। आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरी सारी राहें बंद पड़ी हुई है और मैं जिस काम में हाथ डालता हूँ वो काम आज होता ही नहीं। जब दुनिया के लोगों के पास में सुख आ जाता है तब भगवान मुझे सुख देता है, जब दुनिया का भला हो जाता है तब मेरा भला होता है। भगवान मेरी सुनता नहीं, सब राहें बंद है मेरी, कोई रास्ता सूझी नहीं रहा। अगर मौका मिल जाए एक बेलपत्र, एक धतूरा, धतूरा जानते हो? अरे बोलो तो जम के, जानते हो ना? एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमी पत्र, कुछ ना कुछ टेंशन मेरी जिंदगी में है, तो कभी मौका मिल जाए, जिस दिन तुम्हारे हाथ में ये सभी चीजें हों, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, शमी पत्र, चावल का एक दाना, ये सब तुम्हारे हाथ में हो। शमी पत्र कितना? एक, एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमी पत्र और एक सफेद पुष्प, केवल एक सफेद पुष्प, एक आखा चावल का दाना। आखा का मतलब जानते हो? मतलब पूरा सेगा चावल का दाना। एक, एक चावल का दाना, एक सफेद पुष्प, एक धतूरा, एक बेलपत्र, ये सब हाथ में लेकर अगर तुमको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरी सारी राहें बंद पड़ी हुई है और मैं जिस काम में हाथ डालता हूँ वो काम आज होता ही नहीं, दिन लग जाते हैं। जब दुनिया के लोगों के पास में सुख आ जाता है तब भगवान मुझे सुख देता है, जब दुनिया का भला हो जाता है तब मेरा भला होता है। भगवान मेरी सुनता नहीं, सब राहें बंद है मेरी, कोई रास्ता सूझी नहीं रहा। अगर मैं फसल लेने की सोचता हूं तो फसल नहीं आती, काम करने की सोचता हूं तो काम नहीं होता। तुम्हारे हाथ में ये सभी चीजें हों, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, शमी पत्र, चावल का एक दाना, ये सब तुम्हारे हाथ में हो और शिवरात्रि का दिन हो, बारह महीने कोई सी भी शिवरात्रि, शिवरात्रि का दिन हो, उसी शिवरात्रि के दिन जिस दिन आप दोपहर में मंदिर चले जाएं या शाम को जाएं या सुबह जाएं, कभी भी, पर शिवरात्रि के दिन अपने हृदय में ध्यान कर और त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर, कौन सा नाम? त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर भगवान शिव से अपने मन की बात कहकर, भोला सब दुख काटो, त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर हाथ में लेकर भगवान शिव के शिवलिंग पर अगर हम समर्पित कर देते हैं तो ये निश्चितता है राहें अपने आप खुलना प्रारंभ हो जाती है और कार्य में सफलता। त्रिपुरारी नाम सुख देने वाला। कभी जिंदगी में अगर मौका मिल जाए, कभी जीवन में तुम्हारे घर में गौ माता हो या कोई गौशाला हो और तुम्हें मालूम है कि ये गाय का ही दूध है, ये गौ माता का ही दूध है, तो कभी जीवन में अगर मौका मिल जाए और अगर तुम्हें कोई कह दे कि तेरी किस्मत में सुख नहीं है, तेरी किस्मत में धक्के खाना लिखा है, तेरी किस्मत में दुख लिखा है, तेरी किस्मत में हमेशा धक्के खाना लिखा है, कोई कह दे तुमको, तो उसकी सुन लेना। और आखिरी में केवल बेलपत्री का ये बीच वाले भाग पर गौ माता, अगर देसी गाय अगर कहीं हो, उसका अगर दूध सुबह का समय का मिल जाए, शाम का दूध नहीं, सुबह का यदि दूध मिल जाए इस बेलपत्री के मध्य भाग में, आप लोग आस्था चैनल पर आप इस पत्ती, बीच की पत्ती के मध्य भाग में थोड़ा सा दूध लगाकर नीचे के भाग में भी
थोड़ा सा दूध लगाकर दोनों पत्तियों में गाय का घी लगाकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर कभी मौका मिल जाए जिंदगी में एक बार किसी भी सोमवार की अष्टमी के दिन शिवलिंग पर अगर लगा दिया जाए जिंदगी में दुख तुम्हारे आसपास भी नहीं भटक सकता, सुख की अनुभूति होगी, दुख में भी सुख आएगा। किस्मत में दुख लिखा है वो तो आएगा, पर दुख में भी सुख की अनुभूति होगी। आएगा दुख, पर दुख भान नहीं होने देगा। बेलपत्री, बीच वाली पत्ती पर ऊपर जम के बोलो गाय का दूध, नीचे कितना भी कोई लिख दे, कोई तुम्हारे भाग्य को भी लिख कर दे दे कि तेरी किस्मत में ये दुख लिखा है, आएगा दुख, मना नहीं, पर एक बेलपत्र और गौ माता का दूध जीवन में कितना बड़ा भी दुख आ जाए उसको टाल देता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करें, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।